क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूँ आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज के वार्ड संख्या 2 में पहुंची, जहां जनता से वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिजुल बज चुका है, भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने चुनावी वादों को दोहरा रहे हैं, या फिर यूँ कहिए कि जनता को वादों का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। इस समय नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम फजुल्लागंज के वार्ड नंबर 2 में आज पहुंची है। इस वार्ड के विकास की कहानी यहां की जनता से जानेंगे और क्या कुछ समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, जनता से खुलकर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप सब गंदगी आप इस वार्ड के निवासी जी हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, इस पे बात करिए। यही सब गंदगी है, नाली खड़ंजा आप देख ही रहे हो। हाँ। कौन सी स्थिति है, साफ सफाई का आप देखिए, सड़क बनी ही नहीं है। जो भी पर्से आती यहाँ से जीतता है वो कभी दोबारा रिटर्न आता ही नहीं है। वर्तमान में यहाँ के सांसद, मतलब यहाँ के सभासद कौन है, जगलाल जगलाल, वो तो कभी दिखते ही नहीं है। निर्जल है या किसी पार्टी से है? नहीं, पार्टी से हैं, पहले बीजेपी से थे। हाँ। अब कौन से पार्टी सफे में है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये आपने सड़क की बात की, स्पीच की बात की, तो कितने दिनों से ये इसी तरीके से पड़ी हुई है? ये तो 20 साल से हो गए, 20 साल से इसे पड़ा हुआ, कोई आता ही नहीं है। हाँ। एक बार वोट के लिए आएंगे फिर दोबारा शकल ही नहीं दिखा रहे, नहीं आ रहे। बन गई, यहाँ नहीं बनी। जैसे डेंगू जो है बहुत, हाँ, बहुत बहुत मच्छर बहुत, तो एंटी लार्वा का दवाओ का नाली में छिड़काव वगैरह हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। नहीं, ना धुआं धक्कड़ कुछ नहीं करने आते हैं। यहाँ लोग मरीज भी थे, डेंगू से पीड़ित भी थे बहुत ज्यादा। हमारा पूरा घर परा था, अभी भी परा, हम भी परे हैं अभी भी। आप अपनी शिकायत लेके जब पार्षद जी के पास गई तो उन्होंने क्या कहा, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया। बहुत समस्या यहाँ इसी से है कि कोई देखने तक आज तक आया नहीं। साफ सफाई की, साफ सफाई कोई नहीं, वोट मांगने आते केवल, वोट दो हमको। जिस सड़क पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, जिस सड़क पे हम खड़े हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इस सड़क को दिखाया जाए, ये कच्ची सड़क है अभी तक। कितने दिनों से ये सड़क इसी तरीके से है? ये लगभग 22 साल से है, 20-22 साल। हाँ, 20-22 साल पूरे हो गए। हाँ। जब से हम लोग आए तो बहुत एप्लीकेशन देते थे, हम लोग बंद हैं तो कोई सुनवाई नहीं। अच्छा ये बताइए, डेंगू इतना फैला हुआ? बहुत डेंगू फैला, हम लोग चल ही नहीं पा रहे। दवाइयों का कोई छिड़काव नहीं हुआ अभी तक, आज तो कोई आए नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, परेशान, चल नहीं पा रहे खुद। कूड़ा करके उठाने के लिए कोई आता है? जैसे अभी देख रहे हैं कि नालियाँ जो है काफी बजबजा रही हैं, तो आज सफाई वाले आए हैं, बस आज आए हैं, आज आए हैं, आज आए हैं। अरे समझ ले पहली बार, समझो फोन करके पहले बार। और क्या, कोई आता ही नहीं, हमारा लड़का जानता है इनको, सफाई वाले को सुपर हिट है। अच्छा आप बताइए, और कौन कौन सी समस्याएं हैं इस वार्ड की जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है? यहाँ ना पानी की व्यवस्था अच्छी है, ना पानी आता नहीं है, नल वाला अगर जितना समरसेबल वही लोग अपना यूज कर रहे हैं, बाकी पानी की दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है। 2001 से निवासी हैं, आज तक रोड नहीं बन पाया, सवा सा जगह भाई, कई बार गए नाप जो करवा लिए, आज तक बनाए नहीं उन्होंने। कितने बार से वो यहाँ से सभासद हैं? एक ही बार तो हुए, दोबारा सापा में चले गए, काम खत्म हो गया उनका। अच्छा, अब एक ही बार तो मैंने जगला जाता। अच्छा, ये बरसात के दिनों में अरे क्या कुछ समस्या, पानी जल भरा हो जाता है, इतना पानी घुटनों तक भर जाता है, रहने वाले छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, उसमें नुकसान होता सकता है, चोट चपेट खाते हैं, कोई निकासी, जल निकासी है ही नहीं। 2008 में बाढ़ आई थी तो बड़े बड़े लोगों ने बंदे पर खाना बांटा, तो यहाँ के लोग जीवित हैं, सब मर जाते हैं यहाँ के लोग। बहुत समस्या भी है यहाँ की, ये समस्या दूर करें तो भी जो भी यहाँ से जीते अगर वही समस्या दूर करें तो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं। आप बताइए क्या भैया। मैं चंद्रेश कुमार दीक्षित यहाँ पे करीब सन 2000 से रह रहा हूँ, और आज तक के इस सड़क का कोई निस्तारण नहीं हुआ, जबकि मैं जगलाल यादव इसके पहले कुमकुम सभासद रही, विद्या रावत सभासद रही, उनसे भी काफ़ी हम लोगों ने कहा, उनके कार्यालय में जा के हम लोगों ने मीटिंग भी की कि भैया चलिए मेरे यहाँ आइए। एक बार जगलाल यादव को मैं यहाँ ले के भी आया,
और पूरी एरिया का पूरा सर्वे कराया, उन्होंने सड़क नपवाई, फिर बोले कि अगले सत्र में पैसा, अगले बजट में पैसा आएगा तो मैं इसको करवा दूंगा। आज तक उनका बजट नहीं आ पाया और ना ही आज तक वो सड़क बन पाई है। दवाई छिड़काने का नंबर आता है तो हमारे फरीद भाई खुद मशीन टांग के चलते हैं और दवाई छिड़कते हैं। नाली जब सफ़ा करवाना होता है हम लोग फ़ोन कर करके तंग आ जाते हैं, फरीद भाई से कहते हैं तो ये करवाते हैं हमारे मोहल्ले का काम। और ये सड़क 20 साल पुरानी है, आप पीछे जाके देख लीजिए, जहाँ पे जगलाल पेट्रोल पंप बना है या उसके इर्द गिर्द आप देख लीजिए, सब जितनी सड़कें हैं सब कंप्लीट हो गई हैं। जहाँ पे अभी तक घर नहीं बने हैं, लोग रह नहीं रहे हैं, वहाँ पे भी खड़ंजा और नाली सब कंप्लीट है। और यहाँ पे हालात आप खुद ही देख लीजिए, कैमरे से आप खुद दिखा दीजिए पब्लिक को क्या पोजीशन है यहाँ की। यहाँ के जो वार्ड निवासी हैं, जिस सड़क की बात कर रहे हैं, मैं अपने सहयोग से कहूँगा कि इस सड़क को दिखाएं। यहाँ के वार्ड के निवासियों का ये आरोप है कि अब तक जितने भी पार्षद सभासद यहाँ से हुए हैं, इस वार्ड की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, कच्ची जो सड़क है वो तकरीबन 20-22 सालों से ऐसी है, नालियों में जल जमाव है, नालियाँ जो है बदबदा रही हैं, इन्हीं गंदगियों से संचारी रोगों का उदय होता है। और इस समय डेंगू जो है, चिकनगुनिया हुआ, चाहे जितने भी संचारी रोग हैं, इस समय पूरे प्रदेश में जो है हाहाकार मचा रहे हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पे फॉगिंग की मशीनें भी नहीं आती हैं, लारवा का छिड़काव तक नहीं होता है, तो ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से वंचित है साफ सफाई से, फॉगिंग से और एंटी लारवा से। आप बताइए और क्या कुछ समस्याएं हैं? नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, कचरे की भी समस्या है, हर चीज की समस्या है। आज हम लोगों को 22 साल हो गए हैं आज सड़क पे, और 3 भी कार्यकर्ता आ चुके हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, क्या कहते हैं लोग जब आप अपनी समस्या कहते हैं? वोट दीजिए हम काम करेंगे, वोट दीजिए काम करेंगे, हम लोग बराबर वोट दे रहे हैं, बराबर आप वोट देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? वोट देने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं आइए हम करेंगे। नहीं मिला, अरे कहते फजुल्लागंज से वोट नहीं मिला, 3-3 बार दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके, लेकिन 22 साल हो गए हम लोगों को। अब आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारी सड़क बनवाइए। यानी कि आप वो कहते हैं कि वोट दीजिए हम आपका काम करेंगे, और जीतने के बाद जो है वो भूल जाते हैं यहाँ की जनता को, और भूल जाते हैं, घंटे सुनते ही नहीं। हाँ, एक हैंडपम्प भी चाहिए मोहल्ले में, जैसे बरती भी होती है तो पानी के। सीवर उवर की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? ऐसी जगह नाली बह रही है, सीवर खुल गए हैं, सड़क है ही नहीं, तो कैसी व्यवस्था होगी? चाचा हाँ। ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, इसके बारे में बताइए। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ये 1 फीट नाली थी, उसमें ये हमने पत्थर, हम 2 आदमी मिल करके 3-4 हज़ार रुपया खर्च हुआ है, इसको बनवाए हैं। इधर कभी कोई जाता नहीं है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगता इधर हैं, और यहाँ आते हैं और यहीं बैठ के बीड़ी पी के चले जाते हैं। कौन आते हैं? सफाई कर्मचारी। अच्छा, सफाई कर्मचारी आप लोग नहीं सुनते हैं? नहीं, अब का उनसे बोली, उनसे हम का बोली भाई, वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो बोलते सुनते नहीं, वो बैठ रहा था, हमसे कह दियो बस इधर उधर कर दें चले जाइए, कोई काम नहीं है उनका, पर आना है यहाँ बीड़ी पी के चले जाना। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस पुलिया को दिखाया जाए। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अपने पैसों से उन्होंने इस पुलिया का निर्माण कराया है, अपने खुद के पैसे खर्च करके लोगों ने चंदा लगाकर इस पुलिया का निर्माण कराया है। और यहाँ मैं आपको एक, हमको एक हैंडपम्प मिला हुआ है, मैं हैंडपम्प की कहानी बताता हूँ। ऐसा लोग कह रहे हैं कि हैंडपम्प में पानी नहीं है, ये देखिए मैं हैंडपम्प चला रहा हूँ, ये हैंडपम्प जाम है, हैंडपम्प पूरी तरीके से जाम है, पानी की बात ही छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से हैंडपम्प जाम है, आप देख सकते हैं हैंडपम्प चल नहीं रहा है, ये हैंडपम्प भी बेकार पड़ा हुआ है। इस पुलिया के निर्माण जो है यहाँ के लोगों ने चंदा देकर कराया है, और यहाँ के जो वार्ड की जनता है वो साफ कह रही है कि सफाई कर्मचारी जो है वार्ड की सुनते ही नहीं है, आते हैं लेकिन कोई अगर काम बताया जाता है कि यहाँ दिक्कतें हैं उसे करने के लिए, तो सफाई कर्मचारी उस सीधे मना कर देते हैं, यहाँ के लोगों की नहीं सुनते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, आप बताइए। समस्या, हम 5 साल से दौड़ रहे हैं, 5 साल दौड़ते दौड़ते थक हार के हम बिल्कुल परेशान होकर बैठ गए, विधायक तक हमारे पास 5 साल का लेटर भी रखा है सड़क का,
विधायक के पास गए, उन्होंने लेटर दे दिया कि जाइए नगर निगम को दीजिए, नगर निगम को हमने दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार के 5 साल पे वन बैठ गया चुपचाप करके, जनता भी परेशान हो गई, ये सड़क नहीं बन पाई 10 साल से। आप यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनके पास अपनी समस्या लेकर गए थे? पार्षद को ला के भी दिखाया, इसकी नाप जोक हुई, सब कुछ बताया, कि उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, तो क्या करे, जनता अपने पैसे से सड़क बनवा ले। 10 साल का हमारे पास दौड़ते दौड़ते लेटर भी रखा है, नहीं मानो तो लेटर दिखा दें विधायक का लिखा हुआ, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये था फैजुल्लागंज के वार्ड संख्या 2 का हाल। अभी मेरे पीछे जो है कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस कूड़े के ढेर को दिखाया जाए। भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्तमान प्रत्याशी भी अपने जनाधार को लगातार मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस वार्ड की अव्यवस्था ही देखिए किस प्रकार से वार्ड जो है वो अव्यवस्थाओं से परिपूर्ण है, गंदगियों से भरा हुआ है। ये पूरी तरीके से फैजुल्लागंज वार्ड 2 की दास्तां हम आपको बता रहे हैं। मैं विवेक शाही कैमरामैन विजय के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।